वज़ीर आज़म निया मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मुजफ्फरगढ़ पहुँचे हैं और आपको हम ये बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। अस्पताल का दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म निया मोहम्मद शहबाज शरीफ और जायज़ा ले रहे हैं यहाँ पर काम को। जी सर, इसमें जनरल सर्जरी के केसेज नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स के केस नहीं है, गायनेकोलॉजी के केस नहीं है, क्योंकि टिक्चर भी नहीं है इसमें वन डे की हिस्ट्री की, बल्कि आज मॉर्निंग में सर बोन से काफ़ी पीसेज हुए हुए थे, जैसे कम्युनिटी फ्रैक्चर कहते हैं, तो एक्सटर्नल फिक्सेट है जो कि एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये है कि हम टाइम देते हैं हील होने का फ्रैक्चर, उसके बाद फिर डेफिनेटिव सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुँचे हैं मुजफ्फरगढ़ और उन्होंने अस्पताल का दौरा किया है और अस्पताल के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को यहाँ पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है और डॉक्टर्स उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि जो इलाज यहाँ पर हो रहे हैं, जो सहूलियात यहाँ पर उनको फराहम की जा रही हैं। तो तैयब अर्दवान अस्पताल है मुजफ्फरगढ़ में जो तामीर किया गया है और वहाँ पे सहूलियात का जायज़ा ले रहे हैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। अस्पताल के अमले से, डॉक्टर से भी उनकी मुलाकात हो रही है और इसके साथ साथ जो मरीज़ यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनके तासुरात भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं वो भी मालूम कर रहे हैं। आपका काय का इलाज हो रहा है आपका? सर मैं शुगर डायबिटिक भी हूँ। अच्छा, डायबिटिक का मैं भी हूँ और ये मेरे पास रात ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, तो मतलब कहाँ से ताल्लुक है आपका? लहिया सिटी से। लहिया से जी सर। और इलाज ठीक है सर? जी मैं माशाल्लाह इतना मुतमइन हूँ यहाँ से ना कि मैं ये 3 साल से मेरी स्पॉन का मसला है, मैं लहिया के हॉस्पिटल में भी रहा हूँ, निश्चित तक भी ये हूँ, इतना मैं यहाँ आकर मुतमइन हुआ ना आपको नहीं हुआ हूँ। जी मेडिसिन का पता है कि कहाँ से आ रही है, इसलिए बनाया था कि निश्चित लोग यहाँ से जाना छोड़ दें, यहीं पर यहीं का इलाज यहाँ पर। सर जी ना तो मुझे मेडिसिन का पता है, ना मुझे रिपोर्ट्स का पता है, ना एक्सरे का पता है, सब चीज आगे से आगे जो है ना फॉरवर्ड हो रही है। और सर मैं आपके ना इस प्रोग्राम से ना बहुत मुतमिन हूँ और बहुत दुआ हूँ आपके लिए, अल्लाह तक भी दुआएं देंगे आपको, आपकी वजह से अच्छा इलाज हो रहा है मेरा, मेरी वाइफ है सुनानी दे और सर की हाल है ठीक है जी, अल्लाह ठीक हो गए तो डॉक्टर खान साहब उन्होंने लेप्रो नहीं थी, इधर हमें लेप्रो थी, उधर प्राइवेट लेप्रो करते थे। अच्छा, इधर लेप्रोस्कोपी करते हैं हम सर। अच्छी तो आपकी हुई है? आपकी हुई सर मेरी नहीं सर, वैसे डॉक्टर खान साहब सर बहुत कॉपरेट किए उन्होंने सर, जिंदगी दे सर 1 रुपया भी कुछ काउंटर भी नहीं है यहाँ पर, कुछ पैसे उन्होंने कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मेडिसिन भी आ रही है, इसीलिए बनाया गया था कि आप बहुत वेल निजाम है सर, बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, कंप्लेन है बायोमेडिकल सेंड करें उसके ऊपर लिखते हैं, ये हैंड स्लिंग किसी ने आती है सर, कंप्लेन यहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हों कोई वो चेंज होना हो अंदर वो चेक इसमें करते हैं। तो ये बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब अर्दवान अस्पताल का दौरा और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अस्पताल पहुँचे, अचानक उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया है और जो जारी सहूलियात हैं उनका जायज़ा लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ मरीज़ों की तीमारदारी की है, उनकी आयादत की है,
बल्कि इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं और वज़ीर आज़म उनको इस मौके पर हिदायत भी दे रहे हैं कि कैसे अस्पताल का निज़ाम बेहतर तरीके से चलाया जाए। लेकिन जो मरीज़ों से बात हुई है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की, तो तमाम तर सहूलियात जो मरीज़ों को यहाँ पर इस अस्पताल में फराहम की गई हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से तारीफ़ की है। जो यहाँ पर मरीज थे और उनके साथ जो उनके तीमारदार थे उन्होंने ये कहा है कि उनको बेहतरीन सहूलियात यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। मेडिसिन का भी कोई मसला नहीं है अस्पताल में, अद्वियात का भी कोई मसला नहीं है, जदीद लेबॉर्ट्री भी यहाँ पर क़ायम की गई है ताकि मरीज़ों की यहाँ पर बेहतर निगहदाश्त की जा सके। तो इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जो यहाँ पर मरीज़ हैं उनको दुआ भी दी कि अल्लाह ताला आप लोगों को जल्द सेहत याब करे। और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इस मौके पर डॉक्टर्स को हिदायत भी जारी की हैं।